उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोड़सिद्ध के कपाट 8 जून को नहीं खोलेंगे और बाबा के भक्तों को अभी कुछ समय के लिए बाबा के दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमीरपुर जिला प्रशासन ने बाबा बालकनाथ मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया है। मंदिर न्यास चेयरमैन एवं जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा के अनुसार भाषा विभाग की गाइडलाइन आने के बाद ही बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट को खोले जाएंगे। हरिकेश मीणा ने कहा कि बाबा बालकनाथ मंदिर में मौजूदा स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ही मंदिर के कपाटों को खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि बाबा के दरबार में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन भी मंदिर को खोलने से पहले पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज एंड कल्चर से जो SOP बनने हैं और उसमें जो अभी किस तरह से जो स्टाफ हैं और जो उसमें लगे हैं किस तरह से खुलने हैं उनकी एक ट्रेनिंग होनी है। तो अभी फिलहाल आज से बाबा बालकनाथ को खोल नहीं रहे, कैसे ही खोलेंगे हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि हम अपना होमवर्क कर रहे हैं किस तरह से ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को, क्या SOP जाते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रहते हैं उस हिसाब से जाते हैं। गौरतलब है कि मौजूदा समय में बाबा बालकनाथ मंदिर दियोड़सिद्ध परिसर में सराय को क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें बाहरी राज्यों से आए हुए दर्जनों लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसी के चलते मंदिर परिसर सहित सराय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और भाषा विभाग की गाइडलाइन मिलने के बाद ही मंदिर को खोला जाएगा, जिसकी प्रशासन शीघ्र सूचना देगा।